हेलो दोस्तों, मैं अकबर अली, मैं आपका मैथ टीचर। मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा कुछ थ्योरम्स जो कि हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका प्रूविंग है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए केवल हम इसको डिस्कस करेंगे। जो प्रूविंग है वो हम पहले ही कर चुके हैं, 6.1 थ्योरम जो बोर्ड्स में आती है। जो बोर्ड्स में आएंगी थ्योरम केवल हम उसी को डिस्कस करेंगे, मतलब उसकी प्रूविंग ही समझेंगे, बाकी को हम ऐसे ही प्रॉपर तरीके से समझते हुए चलेंगे। आज ही हमारे पास 6.3 थ्योरम है, इसका मतलब क्या चीज है ये समझते हैं। देखिए, रीड करते हैं। आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप पहले जाकर के प्ले स्टोर से बुक डाउनलोड कर लें, या तो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर लें। चलिए देखते हैं। इसमें हमें बोला गया है इफ इन टू ट्राइंगल्स, मतलब ट्राइंगल्स कितने हैं, दो ट्राइंगल्स है। इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दो ट्राइंगल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है, देन तब क्या होता है, दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। उसका मतलब क्या है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड कैसी होती है, सेम रेशियो में होती है। अगर दो ट्राइंगल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, वो सेम रेशियो में होती है, या प्रोपोर्शन कह सकते हैं। एंड हिंस उस तरीके से द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तब वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर्स होते हैं। और इस क्राइटेरिया को हम क्या कहते हैं, डबल ए क्राइटेरिया या ट्रिपल ए क्राइटेरिया। कहने का मतलब है इफ टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, उनके इक्वल होते हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती है, तो वो दोनों ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ये हो गया ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए ये पी क्यू आर, दो ट्राइंगल हो गए हमारे पास। इसका एंगल ये इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल है, एंगल सी आर के इक्वल है, सारे एंगल इसके और सारे एंगल इसके आपस में इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं। और इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में, करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है, जो एंगल इक्वल होते हैं उन्हीं के सामने वाली साइड करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगी इसमें, ठीक है। जो एंगल्स इक्वल होंगे उन्हीं के सामने वाली साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाएगी। तो अगर ये वाला एंगल है इसके इक्वल है, तो इसके सामने वाली साइड ये, इसके सामने वाली साइड ये, करस्पॉन्डिंग साइड है, और इन्हीं का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। मींस ये वाला इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो गई, इसका ये करस्पॉन्डिंग साइड हो गई, इनकम सभी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस ट्रायंगल को जो सिमिलरिटी कहते हैं, इस सिमिलरिटी को क्या कहते हैं, डबल ए सिमिलरिटी या ट्रिपल ए सिमिलरिटी। मींस एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, एंगल सी जो है वो एंगल आर के, ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है। तो इस तरीके से अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, किसी भी दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो वो ट्राइंगल की जो सिमिलरिटी होती है, वो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, वो सिमिलरिटी का नाम क्या होता है, डबल ए सिमिलरिटी या ट्रिपल ए सिमिलरिटी। या हालांकि तीनों एंगल इक्वल है तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी, या दो एंगल इक्वल होते हैं तो हम डबल ए सिमिलरिटी कहते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया, सिमिलर का साइन ऐसे होता है, सिमिलर हो गया। एंगल ए किसके इक्वल था, हाँ जैसे ही इक्वल इधर लिखे हो वैसे ही आप उस वाले ट्रायंगल को प्रोनाउंस करेंगे, एंगल ए पी के इक्वल था, एंगल बी क्यू के इक्वल था, एंगल सी आर के इक्वल था, तभी आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये ट्रायंगल एबीसी किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल पीक्यूआर के, और ये कौन सी क्राइटेरिया से सिमिलर हो गया है, क्योंकि तीनों एंगल आपस में इक्वल थे, तो ये तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये है ए ए ए, मींस एंगल 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 सिमिलरिटी। इसकी प्रूविंग भी है, प्रूविंग चाहते तो कर लेते लेकिन कभी पूछी नहीं जाती है, और सिलेबस में भी हमारे पास नहीं है प्रूविंग इसकी। जो सिलेबस में प्रूविंग है वो केवल हम उसको प्रूव करेंगे, बाकी आप ऐसे ही पढ़ते हुए चले जाएंगे।
ठीक है, तो ये कौन से क्राइटेरिया से इक्वल हो गया, किसी भी दो ट्रायंगल के, सिंपल याद रखिएगा, किसी भी दो ट्रायंगल्स के तीन एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी लगेगी, वो ट्रिपल ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होंगे, दो एंगल कैसे इक्वल होंगे, सपोज ये ट्रायंगल हमारे पास ये है, ये हो गया तुम्हारे पास ये पी डी ई एफ, तो सपोज एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये 30 हुआ, ये 60 हुआ, तो अब बताइए ये एंगल ए कितना होगा, जाहिर से बात है ये 30 ये 60 तो ये कितना होगा 90, ये 30 ये 60 तो ये कितना हुआ 90, मींस दोनों एंगल इसके और ये दोनों एंगल इसके आपस में इक्वल होते हैं, तो जाहिर से बात है तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, मींस एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल हो जाएगा, इस तरीके से ट्रिपल ए सिमिलरिटी आ गई। लेकिन एंगल ए और डी के बारे में हमारे को, हमको बोला नहीं गया था, बी और सी के बारे में बोला गया था कि ई और एफ के बराबर है, इक्वल में, तो जाहिर से बात है यहां पास दो एंगल इक्वल थे और एंगल सॉरी एंगल बी एंगल ई के इक्वल था और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल था, और ऐसे इक्वल होने के बाद ये दोनों ट्रायंगल की बात करें, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी ई एफ के, ठीक है, और यहां पास क्योंकि दो एंगल आपस में इक्वल थे, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हुआ है, इस वजह से इसको हम कहेंगे डबल ए सिमिलरिटी। जब किसी भी दो ट्रायंगल के तीन एंगल इक्वल दिया हुआ है तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी, जब किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल दिए गए तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो ही जाएगा, उसको इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, तो उस वजह से हमें ये डबल ए सिमिलरिटी लगा देंगे। और डबल ए सिमिलरिटी लगाने के बाद, ट्रिपल ए सिमिलरिटी लगाने के बाद हमको पता है कि जब कोई ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जब कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है सेम होता है, करस्पॉन्डिंग साइड मींस जो एंगल इक्वल है उन्हीं के सामने वाली साइड का रेशियो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल्स आपस में अगर के देखा जाए, एंगल ए क्यू के सॉरी एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है, पी के इक्वल, तो इसके सामने वाली साइड कौन है बीसी, तो बीसी अपान इसके सामने वाली साइड कौन है क्यू आर, क्यू आर इसका रेशियो, और भी इक्वल है उनके साथ में देखते हैं, सी किसके इक्वल है आर के इक्वल है, तो सी के सामने वाली साइड क्या है ए बी, ए बी, और आर के सामने वाली साइड क्या है पी क्यू, तो पी क्यू, सभी का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा, बी के सामने वाली साइड क्या एसी, एसी, और क्यू के सामने वाली साइड क्या पीआर, क्योंकि बी क्यू की इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड एसी, इसके करस्पॉन्डिंग साइड पीआर, एसी अपॉन पीआर, इस तरीके से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे, और अगर तीन एंगल आपके इक्वल हैं या दो एंगल इक्वल है तो तीन एंगल के लिए डबल ट्रिपल ए सिमिलरिटी और दो एंगल के लिए डबल ए सिमिलरिटी आपका ये लगता है, और अगर आपको समझ में आया है तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चले अब हम डिस्कस करते हैं थ्योरम नंबर 6.4, 6.4 क्या थ्योरम कहते हैं तो पढ़ते हैं, इफ इन टू ट्रायंगल्स, फिर दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, अब उसमें क्या है साइड ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की साइड के बारे में बात हो रही है, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इन सेम रेशियो, ठीक है, ये डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में, साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, एक ट्रायंगल के साइड जो हैं, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होते हैं टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की साइड जो होती है प्रोपोर्शनल होती है अदर ट्रायंगल की साइड से, देन
डियर करस्पॉन्डिंग तब क्या होता है, देन तब क्या होता है, उनके डियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनकी साइड प्रोपोर्शनल में है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और फिर वो क्या होते हैं ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। देखिए अब वहां पास हमको साइड का प्रोपोर्शनलिटी दिया गया है, साइड प्रोपोर्शनल में करस्पॉन्डिंग जो साइड है, मतलब जो साइड है वो प्रोपोर्शनल में है तब उनके एंगल इक्वल होते हैं और वो फिर ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। अगर आप पहली कंडीशन की बात करें तो पहले 6.3 थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाता है, वो सेम आ जाता है, सेम रेशियो में आ जाते हैं, तब वो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तब वहां पास क्राइटेरिया यानी सिमिलरिटी कौन सी लगती है, ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। और अगर किन्हीं दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं, ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तब भी उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आएगा, मींस क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा तो वहां पास डबल ए सिमिलरिटी लग जाती है, ट्रिपल ए डबल ए, दोनों का मतलब वही चीज है, लेकिन जहां दो एंगल इक्वल होते हैं तो डबल ए लगा देते हैं, जहां तीन एंगल इक्वल गिवन है तब ट्रिपल ए लगा देते हैं। यहां पास हमें दिया है करस्पॉन्डिंग जो साइड है एक ट्रायंगल की वो प्रोपोर्शनल है दूसरे ट्रायंगल की साइड से, तब क्या होता है, तब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। अगर किसी एक ट्रायंगल की साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड के प्रोपोर्शनल हो जाए, सारी साइड के प्रोपोर्शनल हो जाए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं और वो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। फिर ध्यान दीजिए कि किसी एक ट्रायंगल की साइड, किसी एक ट्रायंगल की साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड से प्रोपोर्शनल में आ जाए तब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते ही वो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। अब स्टेटमेंट नंबर टू देखिए, स्टेटमेंट नंबर टू वहां पास पहला तो आपको कहता है कि कांग्रुएंट है तो सिमिलर है, कांग्रुएंट है तो सिमिलर है और जरूरी नहीं है जो सिमिलर है वो कांग्रुएंट है, यही था स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता था कि दो पॉलीगन्स जो होते हैं वो तभी सिमिलर होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, याद आ रही बात। स्टेटमेंट नंबर टू क्या कहता है, दो पॉलीगन्स सिमिलर तभी होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो सेम होता है और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मीन्स अगर एक दिया है तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, मीन्स अगर साइड का रेशियो सेम है तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड का रेशियो सेम हो जाते हैं, दोनों तरीके से क्या हो गया, सिमिलर हो गया ना, तब वो ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। यहाँ पास क्या है, साइड वन साइड ऑफ साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर, यानी एक ट्रायंगल का साइड जो है वो दूसरे ट्रायंगल के साइड के प्रोपोर्शनल है तब देन तब दियर करस्पॉन्डिंग एंगल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं और वो दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, तब वहां पास क्या हो जाएगा, साइड 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 सिमिलरिटी कहते हैं, तब हम उसको उस सिमिलरिटी को क्या कहते हैं, साइड 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 सिमिलरिटी कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल हमारे पास ये है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू थ्योरम कह रही है कि साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, मींस एबी किसके प्रोपोर्शनल है, एबीसी की साइड किसके प्रोपोर्शनल है, पीक्यूआर के साइड्स के प्रोपोर्शनल है, तो हम वन बाय वन लेते हैं, एबी किसके प्रोपोर्शनल है पीक्यू के, तो हम लिखते हैं एबी बाय पीक्यू, फिर एसी बाय पीआर, एसी बाय पीआर, उसके बाद BC by QR, सभी का रेशियो क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा BC by QR, तो सभी साइड आपस में क्या प्रोपोर्शनल है। फिर से आप देखिए, जो साइड आपस में इक्वल होती कांग्रुएंसी में, जो साइड आपस में इक्वल होती है उनके सामने वाला एंगल इक्वल होता है, याद आ रही बात नाइन्थ की, तो जस्ट रूल यहां पास वही रूल यहां पास भी होगा, जो साइड रेशियो में होंगी आपस में उन्हीं के सामने वाले एंगल इक्वल होंगे, जो साइड रेशियो में होंगी आपस में उन्हीं के सामने वाले एंगल से इक्वल होते हैं, मींस AB ओवर PQ, AB के रेशियो में PQ है, इनके आपस में इनके सामने वाले एंगल से क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल होंगे, तो AB के सामने वाला एंगल कौन है, AB AT हो जाएगा, मींस एंगल C जो हो जाएगा P
पीक्यू के सामने वाला एंगल कौन है, आर है, तो ये हो जाएगा एंगल आर। ठीक है, फिर इसी तरीके से एसी का रेशियो पीआर के साथ में, ये सभी रेशियो आपस में इक्वल है, तो एसी का रेशियो पीआर के साथ में, तो एसी के सामने वाला एंगल कौन है, एसी का पास ये है, इसके सामने वाला एंगल कौन है, ये, तो ये एंगल भी किसके इक्वल हो जाएगा, पीआर के सामने वाला एंगल कौन है, पीआर के सामने वाला एंगल क्यू है, तो एंगल क्यू हो गया। इसी तरीके से बीसी के सामने वाला एंगल कौन हो गया, बीसी के सामने वाला एंगल ए हो गया, और QR के सामने वाला एंगल कौन हो गया, P हो गया। तो ये आपस में तीनों एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो गए। अगर साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल में है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, मींस जो साइड रेशियो में उन्हीं के सामने वाला एंगल, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि आपको ये बनाने में थोड़ा से तकलीफ होगी, अगर ये समझ में आ गया तो आपको सिमिलरिटी में कुछ नहीं है, ना के बराबर है। ठीक है, जो साइड इक्वल होती हैं, कांग्रेंसी में हमने पढ़ा था, जो साइड इक्वल होती हैं उनके सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, यहां पास रेशियो है, जो साइड का रेशियो है प्रोपोर्शनल में होंगे, उन्हीं के सामने वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो एबी के सामने वाला एसी था, पीक्यू के सामने, पीक्यू के सामने वाला आर था, तो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो गए। एसी के सामने वाला बी था, पीआर के सामने वाला क्यू था, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। बीसी के सामने वाला ए था, QR के सामने वाला P था, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अब इसको हम लिखते कहते हैं, एंगल ट्रायंगल A सिमिलर है P के, सॉरी PQR के, तो ट्रायंगल A पहले लिख लीजिए ABC। लेकिन अब इसका सीक्वेंस इधर वाले का आपको बनाना है, जैसे इधर आपने लिखा है वैसे आपका सीक्वेंस इसके बनाना है, इधर की तरफ बनाना है, मीन एंगल A ABC का एंगल A PQR के किसके इक्वल था, P के इक्वल था, तो P हमने रख दिया, जैसा सीक्वेंस ऐसे है उसी के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली में चलेंगे। अब B किसके इक्वल था, Q के इक्वल था, तो ये लिख दिया। C किसके इक्वल था, R के इक्वल था, तो ये लिख दिया। तो इसका मतलब ABC सिमिलर हो गया PQR के, कब, जब तीनों साइड प्रोपोर्शनल में थी तब ये आपस में सिमिलर हो गए, और उनके करेस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इस सिमिलरिटी क्राइटेरिया को हम कहते हैं साइड सिमिलरिटी। साइड सिमिलरिटी यानी तीन बार साइड, सभी साइड का रेशियो क्या है, सेम आ रहा है, तो साइड सिमिलरिटी, इस सिमिलरिटी को हम कहते हैं साइड सिमिलरिटी कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा थ्योरम। ठीक है, तो हालांकि प्रूविंग है नहीं है, प्रूविंग नहीं कर रहे हैं, आपको केवल समझा रहे हैं। तो आपने दो चीज पढ़ा है, एक तो डबल ए सिमिलरिटी, ट्रिपल ए सिमिलरिटी, और फिर ट्रिपल एस सिमिलरिटी, मींस अगर तीनों साइड का रेशियो सेम होगा तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी होंगे, और अगर तीनों एंगल सेम होंगे तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी लगेगी, और अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो डबल ए सिमिलरिटी लगेगी। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए अब डिस्कस करते हैं 6.5 थ्योरम। ठीक है, 6.5 थ्योरम क्या कहती है, 6.5 थ्योरम ये कहती है हमसे, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के एक एंगल की बात हो रही है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, मींस कहने का मतलब है किसी ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल है किसी अदर ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है, किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है, एंड वो दोनों एंगल के बारे में बात हो रही है, एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल, जो आपस में इक्वल है एंगल उनको इंक्लूड होने वाली साइड के बारे में बात हो रही है, एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, अगर उस एंगल्स को इंक्लूड करने वाली साइड जो है प्रोपोर्शनल हो तब क्या होगा, द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आप याद करिए 9th में आपको बोला गया था कि अगर किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल की इक्वल है और उस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड इक्वल होती थी तब वहां पास आप क्या लगाते थे, साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी लगाते थे। Means, अगर ये ट्रायंगल ABC है
और ये ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है और ये आपका इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तब आपका 40 तक बनता था, तब बनता था साइड एंगल, साइड कांग्रुएंसी बनता था, इक्वल टू के साइड है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है और इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड ये दोनों है, इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड ये दोनों है और यहाँ पर दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। यहाँ पास आपको इक्वल ना कह करके बोलना प्रोपोर्शनल है, मीन्स ये इसके रेशियो में जो आ रही है इसका रेशियो और इन दोनों का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। तो साइड प्रोपोर्शनल है, इंक्लूड करने वाली जो एंगल इक्वल है उनको इंक्लूड करने वाली साइड प्रोपोर्शनल में है, तब वो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो वहां पास सिमिलर कांग्रुएंसी के लिए बोला गया था साइड एंगल साइड, और यहाँ पास सिमिलर के लिए भी साइड एंगल साइड ही बोला जाएगा, लेकिन वहां पास कांग्रुएंसी, यहाँ पास सिमिलरिटी लगेगी, ठीक है। तो जाहिर से बात है आपको बोला गया है कि आपका किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल हो किसी दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के, और उसको इंक्लूड करने वाली साइड का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल में हो, तब दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये है पी क्यू आर, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो गिवन है इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, और इस साइड का, इस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड क्या ये है और ये ए बी और ए सी है, एंगल पी को इंक्लूड करने वाली साइड कौन है, पी क्यू और पी आर है, मीन्स आपका ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ में इक्वल हो जाए ए सी का रेशियो पी आर के साथ में, जो एंगल इनको इक्वल है उनको इंक्लूड करने वाली साइड का जो रेशियो है वो सेम हो या साइड जो है प्रोपोर्शनल में हो, तो वो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तब क्या होगा, देन तब आपका दोनों ट्रायंगल यानी ए बी सी, ए बी सी, फिर आपको वही चीज है कि आपका आप समझ गए कि एंगल ए और पी के इक्वल है, तब साइड का रेशियो दिया गया है, साइड का रेशियो आपका प्रोपोर्शनल में है, तो आप समझ सकते हैं कि आप सीक्वेंस कैसे लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो रेशियो, जो साइड इक्वल होंगे उनके सामने वाला एंगल इक्वल होगा, जो साइड रेशियो मांगे उनके सामने वाला एंगल इक्वल होगा, सिंपल सा रूल। नाइन्थ में जो साइड इक्वल थी उनके सामने वाला एंगल इक्वल था, टेंथ में जो साइड रेशियो में है उनके सामने वाला एंगल इक्वल होगा। तो ए बी पी क्यू के रेशियो में, तो ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा और पी क्यू के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, तो ए बी के सामने वाला एंगल ये हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा, सिंपल। और ए सी के सामने वाला एंगल आपका बी हो जाएगा और पी आर के सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात दिया ये था, लेकिन आप रेशियो से भी पता कर सकते हैं कि कौन सा एंगल किसके साथ इक्वल होगा। तो एंगल ए जो है, ये ABC हमने लिख लिया, ट्रायंगल सिमिलर था, किसके किस ट्रायंगल के सिमिलर था इसको लिखना है, तो सीक्वेंस में ABC हमने इधर का लिख लिया, लेकिन उधर वाला सीक्वेंस इसके अकॉर्डिंग चलेगा। A किसके इक्वल है, P के। B किसके इक्वल है, आप देखिए B किसके इक्वल है, B वाला Q के इक्वल है। क्यों इक्वल है ये भी सोचिए भाई, AB के सामने वाला एंगल PQ के सामने वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, AC के सामने वाला एंगल और PR के सामने वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो AB और PQ के सामने वाला एंगल कौन सा है, AB और PQ के सामने वाला एंगल ये और ये, AB यानी CR के इक्वल है और AC के सामने वाला एंगल B है और PR के सामने वाला एंगल क्या Q है, जिसका मतलब आपका B और Q के इक्वल हो गए। अब देखिए इसके साथ C कहां पास है, C किसके इक्वल है, हमको पता चल गया C R के इक्वल है, तो ये हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, आपको पता है ये साइड इसके रेशियो में एंगल इक्वल है, ये साइड इसके रेशियो में, आपका कौन सी सिमिलरिटी लग जाएगी, आपकी लगेगी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी,
साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक है, ये तीनों थ्योरम आपको लर्न क्या है समझ में आनी चाहिए। इसका प्रूविंग नहीं है फिर मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं प्रूव नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, जो प्रूविंग्स आती है वो प्रूविंग मैं पहले करवा चुका हूं। 6.1 की प्रूविंग आती है, वो है हमारे सिलेबस में प्रूव करने के लिए, तो उसकी प्रूविंग मैं पहले करवा चुका हूं। जो प्रूविंग नहीं है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, केवल समझना है आपको। ठीक है, ये समझ में आ गया हो तो आपको पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन आप रफली रख लीजिए अपने पास। ठीक है, चलिए अब हम ये तीनों थ्योरम डिस्कस हो गई हैं। अब आपके आगे की तरफ क्या है, एग्जांपल है, एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है, ये डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में आपको बोला है, डायग्राम मेंशन है, पी है, क्यू है, ओ है, आर है और एस है। ठीक है, हमसे बोला है इन फिगर 6.29, एग्जांपल 4 की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, एग्जांपल 4, इन फिगर 6.29 इफ पी क्यू पैरेलल, गिवन क्या है आपके पास, सबसे पहले लिखते हैं गिवन पी क्यू पैरेलल आर एस। पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के पैरेलल है, और आपसे बोला प्रूव दैट यानी टू प्रूव दैट ट्रायंगल पी ओ क्यू, सिक्वेंस में रखना है, पी ओ क्यू सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एस ओ आर की, सिक्वेंस ध्यान रखिएगा बस इसका। ठीक है, चलिए पैरेलल की बात करते हैं जो दिया है उसके बाद, यानी पी क्यू पैरेलल आर एस है, तो पी क्यू पैरेलल पी क्यू ये है और आर एस ये है, तो पी क्यू अगर आर एस के पैरेलल है तो आगे की तरफ बात करते हैं। तो ये जो वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट बन गए, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्स हो गए, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं, ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये भी कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, ये वाला एंगल्स क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ये कौन सा एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो तीनों एंगल्स इस वाले ट्रायंगल्स के आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर होंगे। बट सीक्वेंस क्या है, आपको पी ओ क्यू के सिक्वेंस में रखना है एस ओ आर के साथ में। ठीक है, तो हमको इन ट्रायंगल्स लिखते हैं, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर में क्या कौन सा इक्वल किसके साथ में लिखते हैं, एंगल पी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल पी जो है एस के इक्वल है, ये लिख लिए, क्यों इक्वल है, सिंपल लिखते हैं अल्टरनेट एंगल, एंगल ओ जो है, एंगल ओ ये किसके इक्वल है, एंगल ओ के ही इक्वल है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इसको पूरा नाम देख के लिखते हैं, पी ओ क्यू इक्वल है किसके, पी ओ क्यू इक्वल है किसके, एस ओ आर के, ये कौन सा एंगल था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, आपको लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये हो गया, उसके बाद आगे की तरफ चले हम, ये वाला आप चाहे तीसरा लिख सकते हैं और चाहे नहीं लिखे, क्योंकि दो एंगल इक्वल हो चुके हैं, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, डबल ए लगा दीजिए चाहे ट्रिपल ए लगा दीजिए, हालांकि तीनों है तो तीनों रख लेते हैं हमारे पास। एंगल जो क्यू है वो किसके इक्वल है, एंगल आर के, और ये भी कैसा है, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स ये भी है, तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो ये तीनों एंगल्स इक्वल होने के पास पी ओ क्यू सिमिलर हो गया ट्रायंगल एस ओ आर के, और इसको हम क्या कह रहे हैं, तीनों एंगल इक्वल है तो कौन सी क्राइटेरिया यानी कौन सी सिमिलरिटी लगा ले, भाई तीनों एंगल इक्वल है तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी कह सकते हैं, यानी एंगल 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 सिमिलरिटी, इसी को डबल ए भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो
आप सिमिलर हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लें। और एक बात और सोचिए, ये सिमिलर हो गया तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके, तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे लेंगे, जो एंगल इक्वल है उन्हीं के सामने वाली साइड का रेशियो लेना है भाई। ये एंगल इसके इक्वल है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, ओपी अपान, ये इसका इक्वल था, ये इसके इक्वल था, इसके सामने वाली OQ, इसके सामने वाली OR, OR इक्वल टू, चलिए ये वाला इसके इक्वल है, इसके सामने वाला एंगल क्या, इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, ये इसके सामने वाली साइड क्या हो गई ये, तो हम लिख रहे हैं PO, PO अपान SO। अब उसके बाद फिर O, ये वाला इसके इक्वल है, इसके सामने वाली साइड PQ और उसके सामने वाली साइड क्या हो गई, RA। अगर आपने सीक्वेंस बना करके रखा हुआ है तो जाहिर से बात है ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल में आ जाएगी, ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल में आ जाएगी, और जो बची साइड वो आपके बचे हुए इधर वाली साइड के साथ में प्रोपोर्शनल में आ जाएगी। ठीक है, तो हमने वही लिखा हुआ है PO अपान SO, PO अपान SO, OQ अपान OR, फिर PQ अपान SR, सभी साइड का रेशियो क्या हो गया, उसको बोलेंगे। ये आपका लॉजिक है, आप तरीके से ढूंढना अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको नोट डाउन कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।